हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपका कॉन्टेस्ट अच्छा गया होगा। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉन्टेस्ट। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट होइए और फिर अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करवाइए। वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स टू द क्वेश्चंस एंड उनको कैसे सॉल्व करना था। सो माइंड यू, ये वीडियोस, दिस पार्टिकुलर सेशन विल बी अवेलेबल टिल संडे। मंडे को ये ऑफलाइन ले लिया जाएगा। सो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ठीक है? एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट, दिस इज व्हाट आई कैन टेल। ओके, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग टू यू। चलिए, सो लेट अस बिगिन अवर सेशन, शुरू करते हैं। एंड स्टार्टिंग करने से पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इट्स ए गुड न्यूज दैट द IFAS इज गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस न्यू बैच फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर गेट फ्रॉम 5th of April। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड हैं, यू लेट योर फ्रेंड्स नो, लेट योर कलीग्स नो, एंड यू कैन एनरोल एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे द बुक इज अवेलेबल फॉर द लाइफ साइंसेस CSIR, विच द क्वेश्चंस आर सॉर्टेड एंड सॉल्व्ड, सो यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। ओके, कहकशा, गुड इवनिंग टू यू। विशाल सर, गुड इवनिंग। रूपाली, गुड इवनिंग। सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन फॉर इन दिस सेशन। सो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, अ बैच कल्टीवेशन ऑफ इकोलाई फॉलोस जीरो ऑर्डर मोनोड ग्रोथ काइनेटिक्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर मोनोड ग्रोथ काइनेटिक्स फॉलो करता है। दैट इज, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जो ग्रोथ है इट हैव अटेन्ड अ मैक्सिमल लेवल, जिसकी वजह से अब जो मींस दैट द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज नॉट लिमिटिंग। तो दैट इज दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज एट इट्स मैक्सिमल, म्यू जी की वैल्यू डिनोट कर रहा है। The cell growth is terminated when the residual dissolved oxygen concentration attains 10% of its saturation value. और कब ग्रोथ टर्मिनेट हो रही, सेल ग्रोथ कब टर्मिनेट हो रही, जब कितना कंसेंट्रेशन बचा ऑक्सीजन का, जस्ट 10% ऑफ द सेचुरेशन लेवल। एंड ऑक्सीजन मास कोफिशियंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 80 पर आवर। द सेचुरेशन वैल्यू ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज गिवन टू यू। ओके, द सैचुरेशन वैल्यू, ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है, मैं आपको जो बता सकता हूं, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू ओवर हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टोल्ड यू दैट म्यू जी हैव बीन अटेंड, म्यू जी पहुंच चुका है, जीरो ऑर्डर से हमें पता चली ये बात। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जो सबसे लोएस्ट कंसेंट्रेशन है जहां पे सेल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, दैट इज आपको CAL की वैल्यू बता रहा है, That is 10%. ये कितनी है, 10% of the value. Okay. Then oxygen mass transfer coefficient, the KLa की value कितनी given है आपको, KLa की value given है 80 per R. The saturation value of the dissolved oxygen concentration is, और कितनी है, So आपको C star की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.007। इसका 10% कितना हो जाएगा, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है कि 10% पे ग्रोथ बंद हो जाएगी। ऐसा कब होगा, दैट इज अल्टीमेटली दे आर सेइंग दैट CL की वैल्यू कितनी होगी, इसका 10% करने पे व्हाट यू विल गेट इज वन मोर जीरो, यू कैन एड वन मोर जीरो, ओके, 1/10, और यू कैन से 10% इज नथिंग बट 1/10। So, ये एक और जीरो आ गया, फाइन। अब इफ द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ओके, म्यू जी की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 0.2 पर आवर गिवन है आपको, एंड द यील्ड कोफिशिएंट, और यील्ड कोफिशिएंट भी गिवन है, यील्ड कोफिशिएंट विच इज
द अमाउंट ऑफ बायोमास इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड पर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड दैट इज गिवन टू यू एस 1.5 kg सेल्स पर kg ऑफ ऑक्सीजन. ओके, हर चीज kg में दी गई है तो नो नीड टू वरी, यहाँ पे किसी तरह कन्वर्जन करने की जरूरत अभी तक तो नहीं लग रही है. ओके, और यहाँ पे आपसे kg मीटर क्यूब में भी पूछा गया है, डेसीमीटर में भी बदलने की जरूरत नहीं है. पर ऑल्दो वी नो, पर इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे किसी तरह का कन्वर्जन नहीं करना है हमें. ओके, देन द फाइनल सेल कंसेंट्रेशन, आपको फाइनल सेल कंसेंट्रेशन निकालनी है. ओके, फाइनल सेल कंसेंट्रेशन निकालनी, हमने फॉर्मूला क्या देखा था? सो द फॉर्मूला दैट वी सॉ इन द मॉर्निंग वॉज म्यू जी अपॉन ऑक्सीजन यील्ड कोफिशिएंट दैट इज एक्स अपॉन ओ टू इन टू एक्स विच इज द बायोमास. ठीक है, सेलुलर बायोमास इज इक्वल टू KLa वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इन टू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन और मैक्सिमल सॉल्यूबल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन माइनस CaF. यही करना पड़ेगा, राइट? यही करना पड़ेगा. अब बस वैल्यू प्लेस करनी है यहाँ पे. लेट अस सी, हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हम उसे प्लेस कर लेते हैं. म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 0.2. आपको x की वैल्यू निकालनी है और y x 0 y 2 की वैल्यू कितनी है? 1.5. इससे सिंपल न्यूमेरिकल हो नहीं सकता, देन जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए था. ठीक है, हमने तीन फॉर्म्स देखे थे. आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू Q0x, जहां पे Q0 क्या होता है? स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट, दैट इज द ऑक्सीजन कंज्यूम पर सेल, पर इंडिविजुअल सेल, दैट इज इक्वल टू Q0. ठीक है, Q0 क्या होता है? Q0 इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्रॉथ. ठीक है, अब KLa की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है? 80. C स्टार की कितनी गिवन है? 0.007, और इसका 10% दैट इज 0.1 डेसिमल और बढ़ा दीजिए. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू 80 इंटू 1.5 अपॉन 0.2, और इसको माइनस करेंगे 70 माइनस 7, एक तरीके से ये कह सकते हैं. तो ये कितना आ गया? 0.0063, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 63 × 10⁻⁴. ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3.78 kg per meter cube. ठीक है, 3.78 kg per meter cube आंसर आना चाहिए. और इसी में बताया था आपको, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोबियल स्ट्रेन इज कल्चर्ड इन अ 100 liter स्टेट फर्मेंटर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन. इफ द स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इज गिवन टू यू एस स्पेसिफिक रेट ऑफ, मतलब आपको यहां पे क्या गिवन है? QO2 की वैल्यू गिवन है 0.4 per hour. एंड द ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन द ब्रॉथ इज 8 mg per liter, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी आपको गिवन है. दैट इज, अभी हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम सी स्टार की वैल्यू है कि सी की वैल्यू है. इट इज गिवन टू यू एस इन द ब्रॉथ, जैसे कि ए लिक्विड, सो सी एल आपको जो लिक्विड में गिवन है दैट इज 8 mg per liter. और क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राम्स अमाउंट वेट में दिया है ऑक्सीजन का, सो देर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन. मिली मोल्स को मोल्स में बदलना या फिर मिली मोल्स को ग्राम से बदलना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. देन द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशियंट, आपको KLa की वैल्यू निकालनी है, वो भी पर सेकेंड में. ठीक है, यहाँ पे पर आवर है, सो माइंड यू पर आवर है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? KLa को आपको किस में निकालना है? इन पर सेकेंड. क्या करना पड़ेगा हमें? सो इन दैट केस Q0 कितना गिवन है आपको? 0.41/h. ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती हो ऐसे समझने में, ठीक है, पर आवर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अगर इसे सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 3600 से मल्टीप्लाई, पर कहां पे? इन द डिनोमिनेटर, यहां पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज 0.4/3600. मुकु, गुड इवनिंग. गीतांजलि, गुड इवनिंग टू यू. ठीक है बेटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? पर सेकेंड.
इस तरीके से आ गई क्यू जीरो की वैल्यू। और क्या गिवन है, द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशियंट के लिए आपको निकालना है सो एज टू अचीव अ मैक्सिमम सेल कंसेंट्रेशन। मैक्सिमम सेल कंसेंट्रेशन मतलब कि इस फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला है दैट क्यू जीरो एक्स इज इक्वल टू के ले सी स्टार एल माइनस नॉट स्टार अगेन। देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चंस हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमल इफ यू हैव टू अचीव मैक्सिमम सेल कंसेंट्रेशन 12 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब थ्रू आउट द ब्रॉथ क्या होना चाहिए, द ऑक्सीजन डिसॉल्वड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन शुड बी मैक्सिमल। ठीक है, मतलब कितनी 8 mg पर लीटर, और यहां पे ड्राइविंग फोर्स सबसे मैक्सिमल होना चाहिए, और वो कब होगा, जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि कंसेंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट इज, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी था, x max is equal to kla into c star l, यहां पे आपको किसकी वैल्यू गिवन है, स्टार की, अपॉन q0। ठीक है, q0 से डिवाइड करना, तो kla की वैल्यू कितनी है, kla, ओके kla आपको नहीं पता, ओके kla, ओके मैक्सिमल सेल कंसेंट्रेशन आपको पता है और kla निकालना है। सो एनीवेज इसको हम वापस से अरेंज कर लेते, रीअरेंज कर लेते। सो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से था, तो अगर आपको kla निकालना है देन इट विल बी q0 इंटू x max अपॉन ये। ठीक है, ऐसा हो गया, और what you can say is kla is equal to, ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सप्रेशन, बाकी आपको खुद सॉल्व करके देखना होगा। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 0.4, ठीक है, 12 इंटू 0.4, एक्स मैक्स की वैल्यू 12 है, 0.4 अपॉन 3600, ठीक है, अपॉन 3600। और यहाँ पे एक और चीज आपको, यहाँ पे 8 इंटू 10 टू पावर माइनस, सो ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। फाइन, ये कहां से आया, ये हमने ऊपर देख लिया है कहां से आया, 3600। ठीक है, तो Q0 सारी वैल्यूज पेस कर दी हमने, बस दैट्स इट। इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर क्या आ जाएगा, यू विल गेट समथिंग एज 0.166, या फिर अप्रोक्सीमेटली यू कैन से इट एज 0.17, आपकी मर्जी है। ओके, तो केले की वैल्यू आ जाएगी दैट टू इन पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स के बिना आंसर दे आर मीनिंगलेस, नंबर्स आर मीनिंगलेस, तो यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा। नेहा, हम लोग ने क्लास कल सुबह, आज की सुबह ली थी, आज डिस्कस किए थे फॉर्मूले, डू हैव अ लुक, क्योंकि व्हाट विल हैपन इज यू हैव द टाइम टिल संडे, आफ्टर दैट द वीडियो विल बी रिवोक्ड फ्रॉम यूट्यूब। ओके, सो यू कैन विजिट दैट वीडियो, और फिर आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, यू कैन अपियर इन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन का सेशन है, मॉर्निंग में क्लास हो चुकी है, फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइन मी राइट नाउ, सो वी हैव हैड द सेशन। ठीक है, ये हो गया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसफर वॉज मेजर्ड इन अ स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर यूजिंग डायनेमिक मेथड। ठीक है, डायनेमिक मेथड को कोई मेथड होगा जिसे हमने नहीं लिया है, तो उसके थ्रू आपने क्या मेजर किया, ऑक्सीजन ट्रांसफर, द डिजॉल्व ऑक्सीजन टेंशन वॉज फाउंड टू बी 80% एयर सेचुरेशन। एयर सेचुरेशन हमने जैसा कि डिस्कस किया, वॉट इट इज एयर सेचुरेशन, मीन्स वॉट इज द कंसेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द ब्रॉथ एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एम्बियंट एटमोसफियर, या फिर एटमोसफियर प्रेजेंट अबव द ब्रॉथ। ठीक है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द मेजर्ड टेंशन एट 7 and 17 seconds पर सो एंड सो। तो आपको पूछा है द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस हमें ये फॉर्मूले में रख देना है कि KLa इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी स्टार
माइनस सी वन अपॉन सी स्टार माइनस सी टू होल अपॉन टी टू माइनस टी वन. इसमें ही रखना है राइट, इसमें ही हमें प्लेस करनी वैल्यूज. दैट इज एल एन सी स्टार कितना है 80% आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर चीज परसेंटेज में है. अगर आप चाहें तो 80/100 भी लिख सकते हैं, पर फिर क्या होगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ परसेंटेज में ही है. यहाँ पे भी आप परसेंटेज में बात कर रहे हो, यहाँ पे भी परसेंटेज में बात कर रहे हो, तो परसेंटेज परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यूज को लिख रहा हूं. ठीक है, 80 minus 55 upon 80 minus 68 whole upon t2 कितना गिवन है 17 minus 7. ओके, दैट इज 80 minus 55 कितना हो गया, दैट विल बी अबाउट 25, और 80 minus 68 दैट इज 12, दैट इज 25/12. और वॉट यू कैन से इज यहां पे लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 25/12. ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास गिवन ही है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो यू विल गेट समथिंग एज 0.073 per second. ओके, ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है सबको. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेल एरेटेड, यहां पे आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रही है केले का. ठीक है, यानी कि जिस समय ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट बराबर होती है ऑक्सीजन अपटेक रेट की, और ये कब होता है, ये कब ऐसा केस होता है, जब स्टेडी स्टेट हो. स्टेडी स्टेट का मतलब कि देयर इज नो नेट अक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन. जितना ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द गैस बबल टू द ब्रॉथ, उतना ही ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली अपटेक किया जा रहा है सेल के द्वारा एंड इट इज गेटिंग कंज्यूम. तो ऑक्सीजन अपटेक रेट इज इक्वल टू ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट. ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट क्या होता है, नथिंग बट केले इनटू, और यू कैन से द ड्राइविंग फोर्स इनटू द इंटरफेशियल एरिया इनटू द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट. ठीक है, और ओ यू आर हमने देखा ही है, दैट इज इक्वल टू जो हमने क्यू ओ टू एक्स डिफाइन किया था. सो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, केले गिवन है. ठीक है, तो बस आप नोटिस करते जाएंगे आपको क्या क्या बताया जा रहा है. सी स्टार सी भी गिवन है, देन स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट, दैट इज आपको आर के टर्म्स में क्या दे दिया है, क्यू ओ टू दे दिया है, सिंपल सी बात है, और एक्स की वैल्यू. ठीक है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, या तो हम क्या जानते हैं, क्यू ओ टू इज इक्वल टू के एल ए इंटू सी स्टार. ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या गिवन है, सी स्टार माइनस सी, या फिर हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट क्यू ओ टू इंटू बायोमास इज इक्वल टू के एल ए सी स्टार माइनस सी. और आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या बताना है, द केले, केले बताना है. तो क्या हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए. सो व्हाट यू शुड गेट इज समथिंग लाइक दिस. That KLA, KLA is equal to QO2 into X upon, या फिर यहां पे R लिख लीजिए. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इधर R भी लिख सकते हैं, R into X upon C star minus C. तो आंसर क्या हो गया, इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया. ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, केले फॉर सच ए सिस्टम विल बी, क्या होगा, केले आपसे पूछ रहे तो यही होगा. एनी डाउट्स गाइस, आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो. फाइन, एनी वन, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप आंसर कंटेंट कर सकते हैं.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय केएलए? केएलए क्या है? सो केएलए इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन ट्रांसफर कोएफिशिएंट। आंसर तो डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अ क्वेश्चन नॉट इवन फॉर वन मार्क, आपसे सीधे पूछ ले केएलए क्या होता है। देन विच आर द फॉलोइंग इज द एफिशियंट वैल्यू ऑफ फॉर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होगी जब ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम ना करे, और ऐसा कब होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ का फास्टेस्ट होगी जब ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन किसके ऊपर हो, सी क्रिटिकल के ऊपर हो, तभी जाके क्या होता है, तब जाके QO2 कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट कहां पे होता है, एट इट्स मैक्सिमल वैल्यू। इसका मतलब कि हर सेल जितना भी उसे ऑक्सीजन की जरूरत है वो उसे ऑप्टिममली यूज कर पा रही है। यस कह कर शान खान, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइडेड है, यू कांटेक्ट द टीम एंड वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो क्यू जीरो कॉन्स्टेंट विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और अगर ये मैक्सिमल हो गई तो सेल तो फिर मैक्सिमली ग्रोथ कर रही होंगी, ठीक है। सो एफिशियंट वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कब होगी? इक्वल टू सी क्रिटिकल? नो। बिलो सी क्रिटिकल? नहीं। हमने देखा था कैसे था, पहले तो लीनियर रिलेशनशिप था, जब तक सी क्रिटिकल से नीचे थी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन तब तक लीनियर रिलेशनशिप था QO2 का विद द O2 कंसेंट्रेशन। फिर क्या हुआ, जब यहां पे क्रिटिकल रीजन तक पहुंचते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्लोप आता है एंड देन इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इक्वल टू सी क्रिटिकल तो नहीं हो सकता है, बिलो सी क्रिटिकल भी नहीं हो सकता है, इट इज अबव सी क्रिटिकल, आंसर इज सी, ठीक है, आंसर सी हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में ही कर लिए थे। ओके, वन मिनट गाइस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक 20 लीटर का स्ट्रेट फर्मेंटर है जहां पे बैसिलस थ्यूरिंजिएनसिस का कल्चर है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, ठीक है, तो कराई प्रोटीन्स ऐसा कुछ बना रहे होंगे यहाँ पे। नाउ केएलए इज डिटरमाइंड यूजिंग द डायनेमिक मेथड, एयर फ्लो इज शट ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स, तब आपने क्या किया, एयर फ्लो को बंद कर दिया है, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गई उसके बाद आप क्या करें, एयर सप्लाई को वापस से रिकनेक्ट कर रहे हैं। व्हेन द स्टेडी स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टेंशन इज 78%, तो मैक्सिमल वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज 78% ऑफ द एयर सैचुरेशन। और आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं कि 5 सेकंड पे, क्योंकि टाइम सेकंड्स में दिया गया है, 5 सेकंड में क्या है, ऑक्सीजन टेंशन 50% है और 15 सेकंड्स पे कितनी है, 66% है। तो आपसे केएलए की वैल्यू वापस से पूछी जा रही है, तो सिंपल इनफ, जैसा कि अभी हमने देखा क्या हो जाएगा यहाँ पे, के एल ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, वापस से सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ठीक है, दैट इज सी स्टार माइनस सी कंसेंट्रेशन वन अपॉन सी स्टार माइनस सी टू, ओके, अपॉन टी टू माइनस टी वन। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, देखने में ही बस बड़ा है, ठीक है। सो अब क्या होगा यहां पे, नेचुरल लॉग ऑफ सी स्टार की वैल्यू कितनी है, 78, वैल्यू पुट करते हैं 78, सी वन की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 78 माइनस 66, सी टू की वैल्यू, ठीक है, अपॉन टी टू माइनस टी वन 15 माइनस 5, क्योंकि केएलए की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, केएलए क्या है, केएलए इज वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ, मतलब कितना हो जाएगा यहां पे, 28 अपॉन 6 मींस इट विल बी 2 एंड 12, 28 बाय 12 समथिंग लाइक दिस,
let me see if I have done it. No, 18, sorry. So 18 upon 12 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा? Just 10. ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, नो आई वॉज राइट, 28 ही होगा, यहाँ पे 28 होगा. ठीक है, लेट मी रब इट. ट्वेंटी एट बाई ट्वेल्व ऐसा आ जाएगा. दैट इज आंसर कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0847. और क्योंकि केएलए की अगर आप यहां पे क्या कर रहे हैं, केएलए डिटरमाइन कर रहे हैं, और वो किस में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है केएलए इन पर सेकेंड. तो यहाँ पे कुछ भी लग रहा है इन क्वेश्चन को करने में? बिल्कुल नहीं. कितना टफ कॉन्सेप्ट लग रहा था, पर है कितने सिंपल क्वेश्चन. एंड दीज क्वेश्चन समवेयर और द अदर दे हैव अपीयर्ड इन सम क्वांटिटी एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द गेट. ठीक है, आप देख सकते हैं. सो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए. यूनिट्स पे खास ध्यान, आवर पर आवर, किस तरीके से हम मिली मोल्स को ग्राम से बदल सकते हैं, एंड सो ऑन. ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े, ये सब बेसिक बातें आपको आनी चाहिए. बायोकेमिस्ट्री में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, यहां पर भी हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, इनमें से क्या चीज अफेक्ट नहीं करेगी केएलए वैल्यू को? एयर फ्लो रेट, हमने तो बात की थी एजिटेशन की, एरेशन की, तो ये तो डेफिनेटली अफेक्ट करेगी, हमें डज नॉट बताना है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है. देन बी, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. यस, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कैसे अफेक्ट कर रहे होंगे केएलए को? तो एक आंसर तो ये लग रहा है. ठीक है, आप खुद सोचिए कि एंजाइम्स मास ट्रांसफर को कैसे अफेक्ट कर रहे होंगे. इन फैक्ट दे आर एक्टिंग एज ए रिएक्शन सेंटर. प्रेजेंस ऑफ एंटीफोम एजेंट्स. एंटीफोम एजेंट्स क्या करते हैं? ये फ्रोदिंग होने से बचाते हैं. ठीक है, फ्रोदिंग होने से बचाते हैं. कैसे? सरफेस टेंशन को लोअर कर देते हैं, जिसकी वजह से बबल्स आपस में कोने से एक नहीं कर पाते, या फिर आपस में एक दूसरे से स्टिक नहीं कर पाते. ओके, सो एंटीफोम एजेंट व्हाट दे डू, दे रिड्यूस द केएलए, केएलए की वैल्यू घटाते हैं. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दे आर अफेक्टिंग द केएलए. डिग्री ऑफ एजिटेशन, ऑफ कोर्स ये तो हमने देख ही लिया था, वन ऑफ द फैक्टर. सो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द आंसर. देन हाई टेम्परेचर्स अफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट्स बाई, कैसे हाई टेम्परेचर अफेक्ट करेगा ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट को? क्या करेगा हाई टेम्परेचर पे, क्या होगा? तो जो एयर बबल के थ्रू डिफ्यूजिविटी है, ठीक है, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन की, वो तो बढ़ जाएगी. केएलए की वैल्यू यानी कि बढ़ जाएगी, डिफ्यूजिविटी बढ़ रही है. ओके, सो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ रहा है, पर क्या होता है, व्हाट डू यू नो, आप अगर कोल्ड ड्रिंक देखा होगा या सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को देखा होगा, हम क्या करते हैं उनको अगर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर. मतलब कि क्योंकि CO2 और ऑक्सीजन दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर. ठीक है, तो वो ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती टू बी सॉल्युबल इन द एक्वस मीडियम, तो वो एस्केप कर जाती हैं, दे विल एस्केप. सो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट इट इंक्रीजेस, तो केएलए की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये तो अच्छी बात है. पर अगर आप देखें कंसेंट्रेशन, concentration, what happens to a concentration in the liquid medium, it decreases. So ultimately there is an adverse effect. So increasing KLA but lowering C0 concentration. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी. गुड इवनिंग कविता, गुड इवनिंग टू यू. ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, what I am trying to tell you. क्या क्लियर नहीं दिखता रोगन? कोई बात समझ में नहीं आई हो, यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी, वी कैन ऑलवेज विजिट द क्वेश्चन बैकवर्ड. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पास्ट का अगर आप कंटेंट करना चाहते हैं, यू कैन. ठीक है, चैलेंज आप कर सकते हैं, वी आर हियर टू लर्न. उसके बाद
विच हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाइल ट्रांसफरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बल्क लिक्विड टू एन एयर बबल. बल्क लिक्विड से एयर बबल की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर होना है. तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला फॉर द मास ट्रांसफर, द रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ठीक है, जिसको हमने एन ए से सॉल्यूट एक लिया एन ए से दिखाया था, दैट इज इक्वल टू, अगर हम लिक्विड फिल्म की बात करें तो लेट्स से कोई गैस बबल है उसके चारों ओर लिक्विड की एक फिल्म है, ठीक है. सो यू हैव ए गैस बबल, गैस बबल के बाद उसके पास क्या होगी, एक तो होगी एयर फिल्म, एयर फिल्म के बाद क्या होगी लिक्विड फिल्म, और फिर होगी बल्क लिक्विड, ठीक है. सो अगर हम पहले बात कर ले एयर की, गैस बबल की बात कर ले, तो उसकी केस में क्या हो जाता है के जी ए इज द इंटरफेशियल एरिया जहां से मास ट्रांसफर हो रहा है इनटू सी, क्योंकि एयर की बात हो रही है तो लेट अस से एयर बबल की बात हो रही है, सो हम उसको लेट से ए से दिखा लेते हैं, ठीक है, सी ए माइनस सी ए आई. और लिक्विड के लिए क्या हो जाता है एन ए, जो मास ट्रांसफर रेट है वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू के एल, के एल का मतलब हो गया मास ट्रांसफर कोफिशियंट फॉर लिक्विड, के जी का मतलब हो गया मास ट्रांसफर कोफिशियंट फॉर द गैसेस, के एल ए. अब क्योंकि गैस की बात हो रही है तो यहां पे लिक्विड की बात हो रही है तो यहां पे सी एल कर लिया, सो सी एल माइनस सी ऐसा कुछ, ठीक है. अब क्योंकि दीज गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन द लिक्विड फेज, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां से आएगी, इट विल बी कमिंग फ्रॉम द लिक्विड फेज. तो जो ठीक है, सो आई विश यू हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी सो लॉन्ग. क्या कैसा आप जो आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है बाय द आईएफएस टीम, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है, आप एक बार विजिट तो करिए वेबसाइट पे, वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स जो भी आपको जाननी है, ठीक है. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, वी विल एंड द सेशन नाउ.